भारत सरकार अपना इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम विकसित करने जा रही है और इसका मकसद दुनिया भर में और सरहदों और बैंकों के आर पार पैसे के लेन देन को आसान बनाना है। फिलहाल इसके लिए जो सिस्टम चल रहा है वो स्विफ्ट कहलाता है। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसी के जरिए आप सभी आसानी से दुनिया भर के बैंकों से भुगतान या पैसे निकालने का काम कर पाते हैं। भारत सरकार स्विफ्ट की तरह अपना एक सिस्टम चाहती है और इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक बैंकरों की एक विशेषज्ञ समिति इसके लिए तमाम विकल्पों पर विचार कर रही है। अगस्त तक वो संभवतः अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दे। कोशिश अपना एक स्वतंत्र सिस्टम बनाने की है जो उन देशों में भी काम करे जिनसे भारत के द्विपक्षीय व्यापार चल रहे हैं। कमेटी देखेगी कि ये सिस्टम कैसे काम में लाया जाए और इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं। इसके लिए आरबीआई के मौजूदा प्लेटफॉर्म को भी देखा जाएगा। आरबीआई का मौजूदा सिस्टम SFMC कहलाता है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। जानकारों के मुताबिक इसका एक मकसद भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा बड़ी मान्यता दिलाना है, रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को बढ़ावा देना है और ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है बैंकिंग क्षेत्र में और द्विपक्षीय ट्रेडिंग में। खास तौर से ये बहुत अहम होगा और रुपया भी इससे और ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत होगा, ऐसा जानकार मान रहे हैं। और भारत सरकार इस कोशिश में है कि जो अभी तक एक ग्लोबल स्विफ्ट सिस्टम है बैंकिंग क्षेत्र में, वो अब भारत भी अपना एक बैंकिंग सिस्टम इजाद करे जिससे कि यहाँ का जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, जो व्यापारिक ताल्लुकात हैं दो देशों के बीच, वो और ज़्यादा आसान हो जाएं। तो ये एक बड़ी बात हो सकती है और तमाम विशेषज्ञ और जानकार इस काम के लिए लगे हुए हैं और उन्हें अपनी रिपोर्ट कुछ ही महीनों में सौंपनी है, जिसके बाद इस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। तो आज हम इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके क्या असर हो सकते हैं, रुपया इससे किस तरह से मजबूत होगा और जो हमारी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है या फिर जो व्यापार से जुड़ी कम्युनिटी है उसके लिए ये कितना मायने रखता है। तो भारत सरकार अपना इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम विकसित करने जा रही है। इसका मकसद दुनिया भर में और सरहदों में बैंकों के आर पार पैसे के लेन देन को आसान बनाना है। इसी पर हम खास नज़र डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका भारतीय बाजार पर, भारतीय व्यापार पर, भारत के कारोबार पर क्या असर पड़ेगा और ये कितनी बड़ी खबर है भारतीय कारोबारियों के लिए जो दूसरे देशों के साथ कारोबार करते हैं। तो स्विफ्ट की तरह ही अपना एक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में भारत सरकार सोच रही है और जानकार मान रहे हैं कि इससे दुनिया भर में रुपए को भी और ज़्यादा मजबूती मिलेगी और बैंकरों की एक विशेषज्ञ समिति है जो इस बारे में अपना विकल्प तैयार कर रही है कि आखिर कैसे भारत खुद अपना एक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बना पाए। और इसी को समझने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर अमीरुल्लाह खान साहब, जो अर्थशास्त्री हैं और बारीकी से समझने के लिए और बहुत सरल भाषा में समझने के लिए जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उन्हें तब से हम ये जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर खान की स्विफ्ट की तरह एक नए सिस्टम की इजाद की बात भारत सरकार कर रही है, लेकिन भारतीय कारोबारियों के लिए, व्यापार के लिए, रुपए के लिए ये क्या मायने रखेगा, इससे क्या बदल जाएगा? जी हाँ सीता, ये बड़ी दिलचस्प बात है जो अब हम कर रहे हैं और इस वजह से कर रहे हैं कि अब भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो एक एक दर्जे पे पहुंच गई है, एक बड़े अहम दर्जे पे, और उसकी एक जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है, वो उस वजह से लोगों को ये उम्मीद है कि वो भारत से ज़्यादा ट्रेड कर सकें। आप देखेंगे कि पिछले दिनों में जब से कोविड हुआ और जब ये जो हमारे नेबर्स हैं उनकी हालत थोड़ी सी खस्ता हुई, सब श्रीलंका की, पाकिस्तान की, चाइना की, और इंडियन इकोनॉमी उन दिनों बड़ी स्टेबल रही, तो उस वजह से ये बात हमको समझ में आने लगी कि क्या हम
अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। आप देखिए कि तकरीबन 90% ट्रेड या 86% ट्रेड डॉलर में होता है, 10-12% यूरो में होता है, फिर थोड़ा सा येन में और युआन में। ये चार करेंसीज हैं जिनमें सारा ट्रेड होता है। इंडिया का अभी भी 1% से कम है। तो हम चाह रहे हैं कि क्योंकि हम एक बड़ी मईशत है, हम एक बड़ी इकोनॉमी है और हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। हमारा इम्पोर्ट अब तकरीबन 700-800 बिलियन डॉलर का हो गया है। तो हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जो बहुत सारे कंट्रीज के साथ खरीदो फरोख्त करता है। तो जब हम खरीदते हैं तो हमें अपना रुपया डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब आप डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़े से पैसे उस कन्वर्जन में खत्म चले जाते हैं, उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं कि आपने 80 रुपए का डॉलर खरीदा तो आपसे जिसने डॉलर बेचा उसने 1-2%, 4% पैसे बना लिए। तो एक तो वो खर्च कम होने लगेगा, दूसरे ये कि जब भी आप लोग जो देख रहे हो, जब भी आप लोग बाहर जाते हो, अपने आप कुछ खरीदते हो, तो आप तुरंत ये कैलकुलेट करते हो कि अच्छा अगर ये 4 डॉलर का है तो इसको मैं 82 से मल्टीप्लाई करूं, और उतनी उतना टाइम लगता है हमको कोई भी चीज खरीदने में, तो जरा सा हिचकिचाते हैं हम। वो भी खत्म हो जाएगा, हम जाएंगे बोलेंगे भाई ये लो 400 रुपये, मुझे 400 रुपये की चीज दे दो। तीसरी चीज जो होती है वो ये कि फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये बड़ी जिम्मेदारी जो अब रखनी पड़ती है कि इतने बहुत से डॉलर रखें, इतने बहुत से यूरो रखें और उनकी हिफाजत करें, उनको इन्वेस्ट करें, वो एक बड़ी जिम्मेदारी, वो एक बड़ा जो हेडेक है वो खत्म हो जाता है। चौथी चीज ये होती है कि जो दुनिया भर में व्यापारी हैं उनको ये पता चलता है कि हाँ ये इंडियन करेंसी भी एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, इसमें भी ट्रेड किया जा सकता है और ये एक स्टेबल करेंसी है बनिस्बत युआन के या येन के। तो ये जो 4-5 बड़े फायदे हैं इसकी वजह से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मुल्कों को ये बताएं कि आप लोग रुपए में ट्रेड कर सकते हो। प्रोफेसर इसके लिए खान, जो जी स्विफ्ट है जी 1973 से 1973 से मौजूद है, कई बैंक इसके मेंबर्स हैं, कई देश इसके मेंबर्स हैं, कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसके मेंबर्स। अरे ऐसे में जब ये ऑलरेडी एक सिस्टम काम कर रहा है, भारत की तरफ से इजाद होगा तो क्या एक तरह से ये कंपटीशन भी होगा स्विफ्ट के लिए? हाँ, दो चीजें हो सकती हैं। एक कि हम अपना पैरेलल सिस्टम चलाएं कि एक तो स्विफ्ट हो। स्विफ्ट एक्चुअली एक सोसाइटी है, कुछ लोगों ने मिलके ये बनाया था कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की एक सोसाइटी होगी। तो उसमें कोई सरकार इन्वॉल्व नहीं है, वो एक एक ग्रुप है। जैसे इंटरनेट चलता है कुछ लोग मिलके चलाते हैं, वैसे ही स्विफ्ट भी चलाते हैं। स्विफ्ट को ये अंदाजा है कि डॉलर और येन और यूरो स्टेबल करेंसीज हैं, इसीलिए वो उन करेंसीज को अलाउ करता है। जब हम अपना इजाद कर लेंगे अपना स्विफ्ट, तो दो चीजें हो सकती है। एक तो या कि ये हमारा सिस्टम बहुत कामयाब हो जाए, या ये कि स्विफ्ट भी ये कहने लगे कि अच्छा हम ये जो 4-5 करेंसीज में डील करते हैं हम रुपए को भी जोड़ लेंगे। अंदाजा ये है कि स्विफ्ट में इंडियन करेंसी भी अलाउ हो जाएगी, क्योंकि इंडियन करेंसी अब स्टेबल हो गई है और इंडिया की का ट्रेड बढ़ने लगा है। मसला जब होता है और जो प्रॉब्लम है रुपए के साथ वो ये है कि अब भी रुपए की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। अभी भी आप देखिए कि एक दिन वो 83 रुपए हो जाता है, आज वो 81 में बिक रहा है, कल शायद 80 हो जाए। तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल करेंसी जब तक होती है तब तक स्विफ्ट जैसे लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं उसको ऐड करने में। दूसरी चीज ये कि वो ये देखते हैं कि पॉलिसी फ्रेमवर्क किस तरह का है। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार बार मदाखलत करता है रुपए को बरकरार रखने में या मजबूत करने में। और जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि वो ये भी देखा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह की है। डिमोनिटाइजेशन जैसा अगर कुछ हो जाए तो उससे लोगों को बड़ा बड़ा शक होने लगता है कि अगर मैं रुपए में ट्रेड करूं और मैंने 1,000 रुपए में ले लिए सिक्ता से और रख लिए बेल्जियम में, और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि 1,000 रुपए चलेंगे नहीं, तो मैं क्या करूंगा उन पैसों का। तो ये जो दो तीन कमजोरियां हैं ये जब स्टेबल हो जाए और इस पे जब यकीन हो जाए लोगों को कि हाँ भाई ये सरकार भी और रिजर्व बैंक भी ये इस पाथ पे चल रहे हैं, इस पथ पे चल रहे हैं कि ये रुपए को स्टेबल बनाए, तब ये होगा कि लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि वो रुपए में ट्रेड कर सके। एक और जो पहलू है,
हालांकि इससे थोड़ा अलग है, लेकिन यूपीआई के मोर्चे पर कोविड से बहुत पहले भारत ने काम करना शुरू कर दिया था, और कोविड के दौरान हमने देखा कि बहुत काम आया यूपीआई मोड ऑफ पेमेंट। तो ऐसे में यूपीआई के मोर्चे में जब एक तरह से भारत आगे चल रहा है दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले, तो आपको लगता है कि ये जो अब कदम है कि होममेड स्विफ्ट सिस्टम जो होगा या फिर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम होगा, वो भी एक उसी मोर्चे में है, भविष्य को देखते हुए भारत एक कदम आगे चलेगा दूसरे देशों के मुकाबले? जी हाँ, देखिए जितने भी ये डिजिटल पेमेंट्स हैं इनमें कोविड से पहले ही बहुत तेजी आ गई थी। कोविड ने तो उसको बिल्कुल बिल्कुल लाजिम कर दिया कि हर शख्स यूज करे। तो उस वजह से ये जो हमारी रफ्तार है पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी की, ये बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी। अभी भी हमारे पास बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट कमजोर है। जब वो इंटरनेट वहाँ पे मजबूत हो जाएगा, जब जब 300-400 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास भी जब स्मार्टफोन आ जाएगा, तब ये जो यूपीआई की तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उस वजह से आसान हो जाएगा डील करना, छोटे व्यापारियों को आसान हो जाएगा। हमारे पास सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि ज्यादातर हमारा एक्सपोर्टर छोटा व्यापारी होता है। तकरीबन 55-60% जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं वो हमारे मीडियम्स और स्मॉल स्केल सेक्टर करते हैं। अगर वो कनेक्ट हो जाएं एक दुनिया भर की स्विफ्ट में, उनको ये ना करना पड़े कि वो रुपए को डॉलर में चेंज करें, या वो अपने फोन से ही अपने जीपे और फोन पे से कर सकें, तो उनके लिए भी व्यापार करना आसान हो जाता है। और जो बाहर के लोग उनसे खरीद रहे हैं उनके लिए आसान हो जाता है कि कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती। और एक जो थोड़ा सा शक होता है लोगों को दूर दराज देशों में ट्रेड करने से कि अगर मैं भेज दूं अपना सामान तो मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं, वो शक भी दूर हो जाता है। तो इस वजह से ये जो तीनों चार चीजें एक साथ हो रही हैं, इससे फायदा तो हमको बहुत है, सारे सारे सिस्टम को है, छोटे व्यापारी को है, बड़े व्यापारी को है, और ट्रेडर को है, और फॉरेन इन्वेस्टर जो है या फॉरेन बायर जो है वो उनको भी है। लेकिन इसमें जो एक चीज, मैं आखिरी चीज बता दूं आपको जी जी सीधा, जी एक जो कमजोरी है वो ये कि हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है। हम इसका आसानी से ये बता दूं मैं आपको कि हम 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, हम 800 बिलियन डॉलर इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये कि हम 800 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं और हम बेचते हैं 400 बिलियन डॉलर। तो ये जो पैसे हैं वो कहाँ से जाएंगे? अगर लोग इतने बहुत से रुपए जमा कर लें अपने पास, फिर वो रुपए खर्च कहाँ करेंगे? तो इस वजह से थोड़ी वो कमजोरी रहती है। जो हमने पिछले 30 साल पहले जब हम रशिया से करते थे रुपए का ट्रेड, उसमें भी यही कमजोरी समझ में आती थी। तो ये जरूरी है कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, और जब एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे तब रुपया और मजबूत हो जाएगा दुनिया में। और तब ये और ज़्यादा कारगर साबित होगा ये फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। बहुत शुक्रिया इसको सरल भाषा में समझाने के लिए प्रोफेसर खान।